देश में बढ़ रहे कोरोना पीड़ित और ठीक हो रहे मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए शिमला IGMC प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और 4 डॉक्टर की कमेटी भी इसके लिए बना दी गई है। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पहले ही तैयारी करना शुरू कर दी है। IGMC के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक जनक राज ने बताया कि IGMC प्रशासन ने ब्लैक फंगस को ध्यान में रखते हुए 4 डॉक्टर जिसमें आंख, INT, डेंटल और माइक्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर की कमेटी बनाई है ताकि इस तरह के मरीजों का समय पर इलाज किया जा सके। देखिए, हम सौभाग्यशाली मानते हैं, हमारे संस्थान में इस तरह का कोई भी मामला अभी तक नहीं आया है, और जब इस तरह के मामलों के आने की जानकारी मिली तो जो भी एहतियात बरतनी थी ओरल हाइजीन को लेकर और जो डिस्टिल वाटर को लेकर कि जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर हैं या ऑक्सीजन की जो भी व्यवस्था में पानी का जहां इस्तेमाल होना है वह साफ़ हो, स्वच्छ हो, तो वो सारा प्रावधान यहां पे किया गया। साथ ही साथ हमने इस बीमारी की संभावना के चलते इसके लिए 4 डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई गई है जिसमें डेंटल विभाग के डॉक्टर हैं, माइक्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर हैं, आई और ENT विभाग के डॉक्टर्स हैं, जो किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा मरीज म्यूकर माइकोसिस का यहाँ पर आता है तो उनको समय रहते उचित और समुचित इलाज मिले इसका भी प्रावधान करवा दिया गया है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।